अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। भाईंदर के मैक्सस मॉल में आज दोपहर को पठान मूवी के शो के दौरान तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। दो तीन महीने पहले से जब से पठान मूवी रिलीज नहीं हुई थी, उसके पहले से पठान मूवी का एक गाना जब सामने आया था तब काफी बवाल हुआ था, और तब से इस मूवी को बायकॉट करे जाने की मांग कुछ हिंदुत्ववादी संगठन कर रहे थे। लेकिन आखिरकार पिछले तीन दिनों पहले पठान मूवी थिएटर में पहुंची और ब्लॉकबस्टर साबित हो रही है, सुपर डुपर हिट जा रही है। पठान मूवी की इसी सफलता से हिंदुत्ववादी संगठन जो है बौखला गए और उन्होंने बौखलाहट में यह हरकत अंजाम दी। आज शाम को 4 बजे के करीब की यह घटना है जब भाईंदर के मैक्सस मॉल में बुकिंग ऑफिस के शीशे और कांच तोड़ दिए गए और साथ ही साथ फिल्म के पोस्टर को भी तोड़ा गया। आप वीडियो में विजुअल में देख सकते हैं जिसमें 10 से 15 लोगों ने यह सब कुछ घटना अंजाम दी। सूत्रों से यह खबर सामने आई है कि इस मामले में अब तक 8 से 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और बाकी लोगों की तलाश पुलिस को जारी है। हम सभी जानते हैं कि पठान मूवीज को लेकर पिछले लंबे समय से, जब से इसका गाना बेशर्म रंग रिलीज हुआ था, तब से काफी विरोध सामने आ रहा है। लेकिन फिल्म देखने के बाद कई लोग पॉजिटिवली इस फिल्म का रिव्यू दे रहे हैं और कहीं ना कहीं यही बात इन हिंदुत्ववादी संगठनों को पच नहीं रही है। फिलहाल की इस घटना पर अब पुलिस प्रशासन क्या कार्यवाही करती है उस पर नजर रहेगी। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।